सह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के 29वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं को मेरी ओर से शत शत नमन वंदन एवं भाव भरा अभिनंदन। आइए आज का एपिसोड प्रारंभ करते हैं एक सॉन्ग के द्वारा। जन जन को वह राह बताए ऋषियों ने कहा है यथा हे पावन योग कथा हे पावन योग कथा। जो मन की विद्या दूर करे जड़ से हरती है व्यथा हे पावन योग कथा हे पावन योग कथा। जय योग कथा जय योग कथा जय योग कथा जय योग कथा। यह कथा है जो हर मानव को प्रभु का नाम बताती। ओ, 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 ओ। यह तप साख्याय ध्यान के संग जीने की कला सिखाती जीने की कला सिखाती। जो लोभ क्रोध और मोह हटाकर मुक्त बनाती तथा है पावन योग कथा है पावन योग। जो जाति पंत मजहब से नहीं नित्य जान से जोड़े शुद्ध जान से जोड़े। जो अभ्युदय और निःश्रेयस से हर मानव को जोड़े हर मानव को जोड़े। जो जीवन सफल बनाने को सबकी हर थी है व्यथा है पावन योग कथा है पावन योग कथा। योग कथा के श्रवण मनन और निधि ध्यासन के द्वारा आचरण के द्वारा नित्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक चार ग्रहण के द्वारा भक्ति कर्म के द्वारा प्रशस्त कराती पथ समाधि का पुनीत योग कथा है पावन योग कथा है पावन योग कथा। तन स्वस्थ व्यस्त मन पवित्र और जीवन मस्त हो कैसे जीवन मस्त हो कैसे। सजग होकर वश में होकर आत्मस्थ बने मन कैसे ध्यानस्थ बने मन कैसे। ऋषियों का यह बोध बताती सुनिए प्रभु की कथा है पावन योग कथा है पावन योग कथा। हर श्वास से निकले नाम ओम का वाणी गाए गाथा वाणी गाए गाथा। हर कर्म
कथा है पावन योग कथा, जो मन की अविद्या दूर करे जड़ से हरती है व्यथा, है पावन योग कथा, है पावन योग कथा। जय योग कथा, 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 जय योग कथा। सुन लो योग कथा है पावन योग कथा, है पावन योग कथा। मित्रों, इस सृष्टि की उत्पत्ति आज से करीब करीब 2 अरब वर्ष पहले हुई थी। 1,96,08,53,117 वर्ष पूर्व, और उस समय परमात्मा हिरण्यगर्भ के द्वारा 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेदों का ज्ञान प्रकट किया, वेदों के ज्ञान उद्भासित किया। वे 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा थे। उन ऋषियों के अंतःकरण में ईश्वर ने वह ज्ञान प्रकट किया कि जिसके द्वारा जीवात्मा या मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा अपने व्यवहार को ठीक ठीक चला सके। ईश्वर ने वे सारी बातें सिखाई, वे सारी बातें बताई, वह सारा ज्ञान दिया जिसमें कृषि कर्म से लेकर के वाणिज्य कर्म से लेकर के विविध वर्णाश्रम धर्म से लेकर के जितने भी लौकिक एवं पारलौकिक विषय थे, सभी का ज्ञान सन्निहित था। ईश्वर ने सारी बातें 4 ऋषियों के अंतःकरण में उद्भासित कर दिया, उन ऋषियों को बोध करा दिया। फिर उन ऋषियों ने उन ज्ञान को, उस विद्या को और लोगों के सम्मुख रखा, क्योंकि कहा जाता है कि सृष्टि के आदिकाल में पूर्ण युवावस्था में पुरुष एवं स्त्रियों का त्रिविष्ट पर्वत, जिसे वर्तमान में तिब्बत कहा जाता है, वहां पर उत्पत्ति हुई थी। और उन युवक युवतियों को उन 4 ऋषियों के माध्यम से फिर ज्ञान दिया, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना फिरना है, किस तरह से आपस में व्यवहार करना है, आदि आदि सारी बातें बताई गई। इतना ही नहीं, ईश्वर ने वह भी बता दिया कि कैसे उसे पुकारे, कैसे उसकी स्तुति करे, कैसे उसकी प्रार्थना करे, हम कौन है, जीवन क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है, क्यों जन्म होता है, क्यों मृत्यु होती है, किसका जन्म होता है, किसका जन्म बहुत लंबे अवधि तक के लिए करीब करीब 36,000 बार इस सृष्टि के बनने और बिगड़ने तक के लिए नहीं होता, ये सारी बातें ईश्वर ने वेदों के माध्यम से बता दिया। मित्रों, उस ज्ञान को लेकर लोग अपने अपने राह पर चल पड़े, सब अपने जीवन यात्रा को चलाने लग पड़े। इस प्रकार हमारी ऋषि परंपरा आगे बढ़ती है। कालांतर में व्यक्ति के अंदर आलस्य और प्रमाद बढ़ने से उसके अंदर की जो अविद्या है, यह भी स्वरूप से तो अनित्य है लेकिन प्रवाह से नित्य है, वह घनीभूत होती जाती है, अविद्या बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति
ऋषियों के ज्ञान से दूर होता चला जाता है। योग कथा एक प्रयास है। योग कथा एक प्रारंभ है ऋषियों की ज्ञान परंपरा से जन जन को जोड़ने का। हम हर व्यक्ति को ऋषियों की उस पावनी परंपरा से जोड़ देना चाहते हैं। हम हर व्यक्ति को ऋषियों के उस संदेश को दे देना चाहते हैं। वेदों के माध्यम से ईश्वर ने जो कहा और शिक्षा कल्प छंद निरुक्त व्याकरण ज्योतिष से लेकर उपनिषद दर्शन ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य ग्रंथ आदि ऋषियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथों के माध्यम से जो बातें हमारे सभी ऋषि हमारे सभी योगी हमारे सभी मुनि बताना चाहते थे उस ज्ञान परंपरा को हम आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित रूप में अभी इसमें हमें बहुत प्रयास करना है लेकिन हम अपने प्रयास को जारी रखेंगे। हम प्रयास करेंगे ऋषियों की बातों को आप लोगों की भाषा में आप लोगों की शैली में जितना हो सके वर्तमान में प्रचलित सरलतम शब्दों का प्रयोग करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ऋषि परंपरा को घर घर में पहुंचाना हर व्यक्ति को जोड़ना यह हमारा अभिष्ट है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ऋषि किसे कहते हैं, क्या है ये ऋषि, क्योंकि अधिकांश लोगों के मन मस्तिष्क में ऋषि शब्द सुनते ही उस व्यक्ति की कल्पना आ जाती है, उस व्यक्ति का चित्र आ जाता है जिसके दाढ़ी बाल लंबे हो, थोड़े सफेद भी हो, थोड़ा बुजुर्ग हो, ऐसा। जबकि ऋषि किसे कहा गया है, ऋषि हो मंत्र दृष्टा रहा, जो सत्य को जानता हो, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया हो, जिन्होंने रहस्य को समझा हो, जिन्होंने रहस्य को रिसीव किया हो, उसे इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं और संस्कृत में हम लोग ऋषिवर कहते हैं, वो होता है ऋषि। वैसे ऋषि शब्द ऋषि गतौ धातु में इन प्रत्यय होने पर बनता है जिसका अर्थ होता है ऋषति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स ऋषि, अर्थात किसी विषय का जो विशेषज्ञ होता है, मंत्रार्थ दृष्टा होता है, जो देखने वाला होता है, उसे हम ऋषि कहते हैं। मत्स्य पुराण के अंदर भी ऋषि को परिभाषित किया गया है। वहां पर कहा गया है कि ऋषि हिंसागतो धातुर विद्या सत्यम तपः श्रुतम एस संचयो यस्मान् ब्रह्मणस्तु ततस् ऋषि। ऋषि धातु हिंसा और गति अर्थ में वर्तता है, इसी से जो ब्राह्मण विद्या तप और श्रुत इनका संचय करता है वह ऋषि कहलाता है। जो तपस्वी होता है, जो विद्या को तप को और परंपरा से प्राप्त ज्ञान को संचय करता हो, ऐसा वेदों को पढ़ने और पढ़ाने वाला, जो ब्रह्म को ध्याता हो, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है और उस ब्राह्मण को ही ऋषि की संज्ञा मत्स्य पुराण के अंतर्गत दी गई है। वैसे चाणक्य नीति में भी आचार्य चाणक्य ऋषि को परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं अकृष्ट फल मूलानी वनवास सरति ही सदा कुरुते हरह श्राद्ध मृषिर विप्रह उच्यते। जो मनुष्य बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न फल व कंदमल को खाकर अपना समय गुजारता है, जो सदा वनवास में ही रहता है और प्रतिदिन श्राद्ध करता है, यानी कि श्रद्धा का
का आरोपण करता है। प्रतिदिन अपने अंदर की श्रद्धा को विकसित करता जाता है। माता पिता गुरु एवं ऋषियों के प्रति आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा को विविध माध्यमों से अर्पित करता रहता है, इसी को श्राद्ध कहते हैं। ऐसा ब्राह्मण ऋषि कहलाता है। यानी कि यह एक अर्थ में यहाँ पर लिया गया है, हमें संपूर्ण अर्थ में अगर समझना है तो ऋषि वह होता है जो सत्य का साक्षात्कार करता है। यानी कि जिसको सारे रहस्यों का बोध हो वह ऋषि कहलाता है, जो हर रहस्य को रिसीव कर सकता हो, प्राप्त कर सकता हो, अपने में संग्रहित कर रख सकता हो और सबको बता सकता हो, उसे ऋषि कहते हैं। और परंपरा क्या है फिर? तो परंपरा वैसे अविच्छिन्न धारा को कहते हैं। एक के बाद दूसरे को प्राप्त होती हुई कोई विचारों की अथवा रिवाजों की नियमित श्रृंखला को परंपरा कहते हैं, जो परंपरा होकर के चल रही हो। पहले किसी में थी, फिर उसके बाद किसी में, फिर उसके बाद किसी में, ऐसा करते हुए जो चल रही होती है उसको परंपरा कहते हैं। परम अतिशयन प्रीणति पिपर्ति व परंपरा, उस पावनी ऋषि परंपरा को, उस ऋषि संस्कृति को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर एक संस्कृति शब्द आया, आपके मन में पुनः जिज्ञासा उठ रही होगी कि संस्कृति है क्या। संस्कृति वस्तुतः सभ्यता को ही कहते हैं, सत्पुरुषों का आचरण अथवा उसकी मान्यताओं को अपने जीवन में स्थान देना, उन्हें अपनाना, उसे संस्कृति कहते हैं। सम्यक कृति ही परंपराया समागता सभ्यता सुविचार धारावा, ऐसे ही संस्कृति बीज तत्व होता है। संस्कृति वह तत्व होता है जो हमको ऋषियों के साथ जोड़ देती हो, जो हमको ईश्वर के साथ जोड़ देती हो, उसको बोलते हैं संस्कृति। और हमारी जो संस्कृति है, ऋषियों की जो संस्कृति है, यह बहुत पुरानी है। यह बात आप लोग सुन चुके हैं। तो मित्रों, उस पावनी संस्कृति को, उस पावनी परंपरा को हमें जन जन तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि उस परंपरा में ही योग तत्व छुपा हुआ है। योग तत्व, क्योंकि योग वह तत्व है जिसके द्वारा हम साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं। और जब तक हमारे जीवन में योग तत्व के लिए स्थान न मिले, जब तक हमारे जीवन में योग समाहित न हो, तब तक हम साक्षात्कार की अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक समाधि घटेगी नहीं, तब तक हमें विवेक उत्पन्न नहीं होगा। जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होगा, जब तक उस विवेक ख्याति को, उस सत्व पुरुषान्यता ख्याति को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तब तक हम प्रत्येक पदार्थ के प्रति सही सही ढंग से व्यवहार नहीं कर सकेंगे। इसलिए यदि हमें योग को समझना है, यदि हमें योग को जानना है, तो उसके लिए हमें ऋषि परंपरा से जुड़ना होगा। उसके लिए हमें ऋषियों के ग्रंथों का श्रवण मनन और निधिध्यासन करना होगा। उसके लिए हमें उस परंपरा का एक अंग बनना होगा, उस परंपरा का संवाहक बनना होगा, तभी हम योग को अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। और योग को अपने जीवन में धारण करने को ही ऋषियों ने हमारा परम धर्म कहा गया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के आरंभ में ही ये बात कही गई है कि योग के द्वारा साक्षात्कार करना हमारे जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। अयम तु परमो धर्मो योगेनात्म दर्शनम, याज्ञवल्क्य की स्मृति के 11वें अध्याय का पहला ही श्लोक है यह, कि हमें योग के द्वारा आत्मदर्शन करना चाहिए। यानी कि अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम
प्रकृति के साथ और प्राकृतिक पदार्थों के साथ ठीक ठीक व्यवहार कर सकेंगे। और मित्रों, योग वह तत्व है, योग वह अग्नि है जो हमारे अंदर जग जाती है, हमारे जीवन में जग जाती है। तो उपनिषद का ऋषि कहता है, नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम। नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु, न तो रोग होगा, न जरा न मृत्यु, न मृत्यु होगी, न कोई बुढ़ापा ही आएगा। नतस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसका मतलब हमें उस तत्व का ज्ञान होगा जो न कभी जरा अवस्था को प्राप्त होता हो, जो न कभी वृद्धावस्था को प्राप्त होता हो, जो न कभी रोगावस्था को प्राप्त होता हो। रोग, शोक, बुढ़ापा, ये सारी चीजें शरीर का धर्म है, यह तो चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हम योग को अपने जीवन में धारण करेंगे, योग की अग्नि अपने अंदर जलाएंगे, उस समाधि की अग्नि हमें प्रज्वलित होगी, वह ज्ञानाग्नि हमें प्रज्वलित होगी, वैसे ही हम साक्षात कृत धर्मा बनेंगे, हम स्वयं भी ऋषि बन जाएंगे, हम स्वयं भी सत्य के दृष्टा बनेंगे, हम स्वयं भी सृष्टि के हर एक रहस्य को समझने वाले वेत्ता बन जाएंगे, ऐसा ऋषियों का कहना है। इसलिए हम उस परम पावनी विद्या को, इसलिए हम उस अद्भुत विद्या को, इसलिए हम उस विरासत को जो हमारे पूर्वजों से, हमारे ऋषियों से हमें प्राप्त हुआ, उसे हम इस देश और दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज योग शब्द बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका है, आज संभवतः दुनिया का सबसे अधिक लोगों के द्वारा उच्चारित किया जाने वाला शब्द योग शब्द ही होगा, इतना चर्चित हो चुका है, इतना प्रचलित हो चुका है। लेकिन आज लोगों ने योग को आंशिक रूप में ही समझा है, योग का अर्थ केवल आसन या केवल प्राणायाम या कुछ मेडिटेशन, बस इतना ही लोगों ने समझा है। वे भी योग के पार्ट है, लेकिन उतना ही योग नहीं है। योग तो वह विद्या है, योग तो वह पैकेज है, योग तो एक वह समग्र स्वरूप है जिसके द्वारा व्यक्ति साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता हो। योग उस विधा का नाम है जिसके द्वारा समग्र रूपांतरण घटित हो जाती हो। यह वह विज्ञान है जिसके द्वारा व्यक्ति के तन, मन व जीवन का समग्र रूपांतरण होना अवश्यंभावी। इसलिए हम योग को साइंस ऑफ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कहते हैं। तो मित्रों, इस विद्या को आप तक पहुंचाने की कोशिश है यह योग कथा। जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें वर्षों लगे, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए न जाने हमें कहां कहां पहुंचना पड़ा, न जाने कितने ठोकरें खानी पड़ी, न जाने कितने गलतियों से होकर गुजरना पड़ा, न जाने कितने दोषों के बीच बीच में शिकार भी होना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जिस विद्या को हमने अनुभूत किया, जिस विद्या को हमने प्राप्त किया, वो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए योग कथा की यह श्रृंखला चलाई जा रही है और निकट भविष्य में हम स्थान स्थान पर, देश और दुनिया के अलग अलग स्थानों पर योग कथा का भव्य आयोजन भी होने वाला है। 7 दिनों की योग कथा हम स्थान स्थान पर करने जा रहे हैं और मुझे आप लोगों से यह भी कहना है, यह भी निवेदन करना है कि आप लोग भी योग कथा से जुड़िए और लोगों को भी योग कथा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि योग कथा व्यक्ति को किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ता, योग कथा व्यक्ति को किसी मत, पंथ, मजहब से नहीं जोड़ता, योग कथा व्यक्ति को उन सब से ऊपर उठाकर सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक
विचारों से जोड़ता है। योग कथा व्यक्ति को उस सिद्धांत साधना पद्धति से जोड़ देता है जिससे व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण आना अवश्यम भावी है, जिससे व्यक्ति के अंदर सुसुप्तावस्था में पड़ी हुई शक्तियों का जागरण होना अवश्यम भावी है। योग कथा व्यक्ति को उस ज्ञान से जोड़ देती है जिससे व्यक्ति अविद्या से मुक्त होकर, मिथ्या ज्ञान से मुक्त होकर परम पावन ज्ञान से जुड़ जाता है और व्यक्ति जीवन मुक्त होकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग इस योग कथा को आप लोगों तक ले आने के लिए हर संभव यथासंभव जितना भी हम कर सकते हैं उतना प्रयास हम कर रहे हैं। मित्रों, योग कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति साक्षात्कार तक पहुंचने के सूत्रों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि साक्षात्कार जैसे ही जीवन में घटित होगा वैसे ही व्यक्ति की दृष्टि जगेगी, व्यक्ति में वह विवेक जगेगा और जैसे दृष्टि जगेगी उसे इस समग्र सृष्टि के औचित्य का ज्ञान होगा। अभी व्यक्ति को यह पता भी नहीं कि यह सृष्टि क्यों है। ऋषियों ने कहा कि यह सृष्टि परमात्मा के द्वारा जीवात्मा के लिए प्रकृति की सहायता से बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? जीवात्मा को भोग और अपवर्ग देने के लिए। जीवात्मा इस तन में रहते हुए भी मस्त रहे, इस तन में रहते हुए भी वह उत्सवमय जीवन जी सके और जैसे ही तन छूट जाएगा फिर उस प्रभु के साथ में ही रह करके उसके कंधे में बैठ करके पूरी दुनिया का सैर करे। इसलिए ईश्वर ने योग का उपदेश किया। और मित्रों, योग को जैसे हम धारण करेंगे और उसके द्वारा हमें सभी चीजों का बोध होगा, हम सृष्टि के औचित्य को पूरी तरह से समझ जाएंगे। हम भोग को भोगते हुए, हम भोग को ठीक ठीक जान करके अभ्युदय को, सात्विक समृद्धि को अपने जीवन में प्राप्त करते हुए हम निःश्रेयस को, अपवर्ग को, कैवल्य को, मुक्ति को, मोक्ष को अवश्य में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी पावनी है यह योग कथा। और मित्रों, अभी तक लोग वो सारे उपदेश देते आए हैं कि बुराइयां क्या क्या है और बुराइयों को कैसे दबा करके रखना चाहिए। हमारी मान्यता है, ऋषियों का कहना है, बुराइयों को न तो दबाओ और बुराइयों को न ही अपने ऊपर हावी होने दो। बुराइयों से न तो दबो न ही बुराइयों को दबाओ, बुराइयों को जड़ से मिटा दो। और बुराइयों का जड़ क्या है? मिथ्याचार। बुराइयों का जड़ क्या है? असमानता। बुराइयों का जड़ क्या है? संवेदनहीनता, संवेदनशीलता का अभाव। और योग कथा जन जन के हृदय में संवेदनशीलता भर देती है। योग कथा जन जन के हृदय में श्रद्धा जगा देती है। योग कथा व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता का भाव पूरी तरह से उठा देती है, क्योंकि कृतज्ञता तब जगेगी हमारे अंदर जब हमें ज्ञान होगा, जब हमें यह बोध होगा कि हमारे ऊपर कितनों की कृपा है, हमारे ऊपर कितनों की सहायता है, कितने जीवात्माओं के कारण आज हम सांस भी ले पा रहे हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अनंत जीवात्माओं के सहारे हम सांस ले पा रहे हैं, अनंत जीवात्माओं के सहारे आज हम कुछ भी कर पा रहे हैं, आज आप हम सुना रहे हैं, ये भी अनंत जीवात्माओं की सहायता से है।
यदि एक भी जीवात्मा उनमें से हमारी सहायता न करे, हमारी मदद न करे, तो यह कार्य संभव नहीं हो पाता। इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे संतों ने दुष्टों की भी आराधना की है, दुष्टों की भी प्रशंसा की है। क्यों? क्योंकि दुष्ट भी अगर कार्य को होने नहीं देंगे, कार्य में विघ्न डालेंगे, तो फिर ये सारे कार्य संभव नहीं होंगे। इसलिए दुष्टों की भी भूमिका है, यानी कि हम कोई अच्छे से अच्छे कार्य क्यों ना कर रहे हो, उसमें दुष्टों की भी भूमिका है। मैं एक अतिशय अर्थ में बातें कह रहा हूं कि अनंत जीवात्माओं के सहारे आज आप हम कुछ भी कर पा रहे हैं। और जब हमें यह बात पूरी तरह से पता चल जाती है, उस अवस्था में हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। जैसे ही कृतज्ञता हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है, वैसे ही भाव संवेदना का अजस्र स्रोत फूट पड़ता है और उस प्रवाह में हमारे अंदर की बुराइयां, एक के एक बुराइयां बहती चली जाती है। हमारे अंदर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, सारी बुराइयां जलकर ध्वस्त होने लग जाती है। इसलिए मित्रों, इस पावन योग कथा को हमें सुनना भी है और सुनाना भी है, और इस योग कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। इसमें विविध धर्म, दर्शन, संस्कृति, संप्रदाय, परंपरा के द्वारा कही गई वे बातें जो सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक हो, उन सभी का हम समावेश कर रहे हैं। सारे ऋषियों के द्वारा कही हुई बातें, जिसके द्वारा व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट बन सकता हो, जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती हो, जिसके द्वारा व्यक्ति को बोध प्राप्त हो जाता हो, जिसके द्वारा व्यक्ति के तन व मन में निहित अनगिनत शक्तियां जागृत हो जाती हो, उन सभी चीजों को हम पहुंचाना चाहते हैं। योग कथा किसी भी धर्म से संबद्ध नहीं, किसी भी मत पंथ संप्रदाय से संबद्ध नहीं, बल्कि यह कह सकते हैं कि सभी धर्म संप्रदाय के द्वारा जो दावा किया जाता है, जितने भी मत पंथ आदि में जो बातें बताई जाती है मानव को महामानव बनाने की, उन सारी पद्धतियों को जो परीक्षित है, उनको हम योग कथा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सबसे मेरी यह प्रार्थना है कि यदि आप पहली बार योग कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो योग कथा के जितने भी एपिसोड हैं, उन्हें जरूर सुन लीजिए। यह कान हमें मिला हुआ है सुनने के लिए। मैं तो यह कहूंगा कि आप पहले योग कथा का श्रवण कीजिए, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन योग कथा के श्रवण से कभी भी विमुख मत होना। और मित्रों, आज समाज में बुराइयां दिखाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग, और बुराइयों को छुपाने के लिए मदद करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, और बुराइयां बुराइयां नहीं है ये बात समझाने वाले भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन बुराइयों को कैसे मिटाया जा सकता है, इसको मिटाने का तरीका क्या है, किस प्रकार हम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, किस प्रकार हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं, मिथ्या ज्ञान से रहित बना सकते हैं, वह कला बताने वालों की संख्या न के बराबर है। आज गुरु का ही नहीं, ग्रंथ का भी अभाव है। हमारे ऋषियों के ग्रंथों में से अधिकांश ग्रंथ लुप्त प्राय हो चुके हैं, कुछ ही ग्रंथ है जो आज आप हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। तो मित्रों, हमारा यह प्रयास कि जिसको गुरु भी न मिल रहा हो और जिसको ऋषियों के ग्रंथ की प्राप्ति भी न हो पा रही हो, उन्हें कुछ रोशनी मिले, उन्हें जीवन की राह का पता चले, उन्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए संबल मिले, उनकी किंचित मात्र हम सहायता कर सके, यह हमारा प्रयास है।
और मित्रों, योग कथा के श्रवण से व्यक्ति धीरे धीरे जाति पंथ मजहब से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीने लगता है। वह पूरे धरा को अपना परिवार मानने लगता है, पूरे धरा को अपने कुटुंब में मानने लगता है। इतना ही नहीं, वह मातृवत परदारेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु, लोष्टवत परद्रव्येषु इस उच्चतम आदर्श में जीने लगता है। वह पूरे धरा को अपना घर मानने लगता है। यत्र विश्वो भवत्ते क्रीडम, पूरा संसार ही अपना घर है ऐसा मानने लगेगा। और वह पूरे तरह से प्रयास करेगा कि कैसे भी हो मैं इस सृष्टि के सौंदर्य को और ज्यादा निखार सकूं, इस सृष्टि के सौंदर्य को और बढ़ा सकूं, कैसे भी हो मैं अधिक से अधिक जीवात्माओं की मदद कर सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, मैं कैसे दूसरों का उपकार कर सकता हूं, कैसे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं, हमेशा इस भाव से व्यक्ति भरा रहेगा। मित्रों, मैं जानता हूं जीवन में राह मिलना कितना मुश्किल है, मैं जानता हूं, क्योंकि इस राह को प्राप्त करने के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ी होंगी, कितने गलतियों से गुजरना पड़ा होगा, कितने दोषों को ढोना पड़ा होगा, मैं जानता हूं। कहां जन्म हुआ, कैसे कैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, यह बात मैं जानता हूं। इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि जिन कष्टों को मुझे झेलना पड़ा, जिन दुखों को मुझे झेलना पड़ा, जिन विघ्न बाधाओं को मुझे सहन करना पड़ा, आप लोगों को सहन करना ना पड़े, आप लोगों को जस्ट पता चले कि राह क्या है, चले न चले ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तक अवश्य मैं इस संदेश को पहुंचा दूं। आपको बस मैं उस राह को दिखा देना चाहता हूं कि बस ये है राह, ऋषियों ने ये बताया है, चलना न चलना आपकी मर्जी। बस इसी उद्देश्य के साथ यह योग कथा की श्रृंखला चलाई जा रही है। और मैं समझता हूं आप सब लोग इसमें सहभाग होते आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए मित्र जुड़ते भी आ रहे हैं और आगे भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। और मित्रों, आप सब से मैं यह भी आह्वान करना चाहता हूं कि अपने गली गली में योग कथा का आयोजन कीजिए, जहां भी संभव हो सके वहां पर योग कथा को सुनाइए, लोगों को बताइए कि योग कथा के द्वारा आपको जो भी ज्ञान मिला है, जो भी अमृत आपने पान किया है, उस अमृत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह से आप प्रयास करते रहिए, आप लोग भी पुण्य के भागी बन जाएंगे। ऋषियों ने कहा है कि जिस मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप को एक सरल सूत्र ऋषियों ने दिया है कि उस मार्ग में अधिक से अधिक लोगों को ले चल पड़िए, फिर धीरे धीरे आपकी भी गति अच्छी होने लग जाती है। संगत छद्म संग दद्धम संग मना से जानता देवा भागम यथा संचालन उपास। आप भी चलिए, औरों को भी ले चलिए, औरों को भी ले चलिए। जो चलना नहीं चाहते कोई बात नहीं, जो चलना चाहते हैं उन्हें ले चलिए। इस धरती में एक नहीं दो नहीं, कितने लोग हैं? 7 अरब लोग हैं करीब करीब, कितने? 7 अरब लोग हैं। और मित्रों, यदि आप 100 वर्ष तक जिएंगे, यानी कि 100 वर्ष, हालांकि सब लोग 100 वर्ष तक जिए ना जिए तो नहीं कह सकते, लेकिन 100 वर्ष तक भी यदि आप जीते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से यदि आप एक एक मिनट मिलने के लिए अगर खर्च करते हैं, तब भी आप अपने जीवन में कितने लोगों से मिल सकेंगे पता है? 5,25,60,000 लोगों से आप मिल सकेंगे। और 100 वर्षों में से 50 वर्ष तो आप सोने के समय को निकाल करके, फिर ऐसे खाने पीने में जो समय निकल जाता है उन सब को छोड़ करके यदि आप देखते हैं तो 2-3 करोड़ लोगों से भी हम नहीं मिल सकेंगे। जो चलना नहीं चाहते परवाह मत कीजिए,
जो चलना चाहते हैं उनको संग लेकर चलिए। यह पूरी दुनिया हमारा घर है, इस पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले सभी हमारे भाई बहन हैं। हमें उन तक पहुंचना है, जो चलना नहीं चाहते हैं उनके साथ उलझना नहीं, उनके साथ तर्क वितर्क में नहीं पड़ना, बस जिनको हमारी जरूरत है हमें उन तक पहुंचना है। जो चलना चाहते उन्हें साथ लेकर चलना है। 7.5 अरब लोगों में से हम मित्रों 1-2 करोड़ लोगों तक भी पहुंचाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हमें चलने के लिए प्रयास करना है और लोगों को जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते जा रहे हैं उस ज्ञान को देते चलना है और लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करनी है, हर संभव मदद करना है कि हर व्यक्ति उठ सके। यहां कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, यहां कोई भी व्यक्ति अज्ञानता में जीना ना पड़े, इसके लिए हमें प्रयास करना है। हमें लोगों को साधन नहीं बनाना है, लोगों को साथी बनानी है। क्या बनाना है? लोगों को साधन नहीं बनाना, लोगों को साथी बनाना है, हर व्यक्ति को साथ देना है। क्योंकि आज आप हम कुछ जानने की अवस्था में है, कुछ सुनने सुनाने की अवस्था में है, यह केवल आप हमारे प्रयास से संभव नहीं हुआ है, अनंत जीवात्माओं की सहायता से यह कार्य संभव हो पा रहा है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जो व्यक्ति अपने को सफल समझता है वह भ्रम में है। हमें कभी भी यह नहीं समझना है कि मैं सफल हूं, हमें सदा यह समझना है कि मैं सफलता का प्रतिनिधि हूं। सफल एक व्यक्ति कभी भी नहीं होगा, सफल समूह होता है और प्रतिनिधि के रूप में कभी कोई सामने आता है, कभी कोई सामने आता है, कभी कोई सामने आता है। तो हर एक प्रतिनिधि का यह कर्तव्य बनता है कि वह भी औरों को ऊपर उठने के लिए सहायता करे, वह भी हर व्यक्ति को उसके दोषों से मुक्त होने के लिए उसे मदद करे। हम दूसरे की गलतियों को ढोते हैं, धोते नहीं, हम दूसरों की गलतियों को ढोते हैं, धोते नहीं। याद रखिए, उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता किसी की गलती को दिखाने का जो उसके गलतियों को दूर करने के लिए उसे मदद ना कर सकता हो। लेकिन आज पूरा समाज क्या कर रहा है, हर व्यक्ति की गलती दिखा देंगे, हर व्यक्ति की गलती दिखाएंगे कि ये गलती है, ये गलती, ये गलती है। लेकिन न तो सरकार किसी की मदद कर पाती है कि गलतियों से कैसे उभरना है, और न ही समाज और न ही कोई सामाजिक संस्था है। लेकिन बुद्ध को याद कीजिए, अंगुलीमाल जैसा खतरनाक डाकू उसको भी बुद्ध कैसे परिवर्तित कर देते हैं, कैसे उसकी सहायता करते हैं। आज बुद्ध की जरूरत है, आज राम की जरूरत है, आज कृष्ण की जरूरत है, आज ऋषियों की जरूरत है। आज पूरा संसार उस व्यक्ति की प्रतीक्षा में है, उस व्यक्ति को वेट कर रहा है जो उसकी मदद कर सके, जो उसके लाइफ में क्वालिटी ऐड कर सके। और हम योग कथा के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में क्वालिटी ऐड करना चाहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में गुणवत्ता जोड़ देना चाहते हैं, हर व्यक्ति को गुणवान बनने के लिए मदद करना चाहते हैं, हर व्यक्ति ऊपर उठे, हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति साक्षात्कार को प्राप्त हो, हर व्यक्ति इस सृष्टि का उपभोग कर सके, उपयोग कर सके, हर व्यक्ति अपने भोग और अपवर्ग को सिद्ध कर सके, हर व्यक्ति सात्विक समृद्धि को भी प्राप्त कर सके और निश्रेष को भी प्राप्त कर सके। इसके लिए हम कैसे मददगार बन सकते हैं, यह आप हम सभी को सोचना है, आप हम सभी को इस विषय में चिंतन करना है। और मित्रों, योग कथा उस चिंतन का परिणाम है। और जो कुछ भी हमने ऋषियों से पाया, जो कुछ भी हमने विविध धर्म दर्शन संस्कृति संप्रदाय परंपराओं से पाया, जो कुछ भी हमने
विविध माध्यमों से जात अज्ञात स्रोत से पाया उन चीजों को हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हम सभी एक साथ साथ आगे बढ़ सके ऐसा हमारी सदिच्छा है। जगने और जगाने का एक प्रयास है योग कथा, और आइए निरंतर आप हम सभी योग कथा का श्रवण करते रहेंगे और हम सब इस जीवन को भी पूरी तरह से उत्सव की तरह जिएंगे। इस जीवन में खुद भी प्रसन्न रहेंगे, दूसरे को भी प्रसन्न रहने के लिए पूरी तरह से सहायता करेंगे, अपने जीवन को भी गुणवान बनाएंगे और दूसरे का जीवन भी गुणवान बने, और दूसरा जो भी हमसे सहायता चाहता है उसकी हम भरपूर सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसे भी साथ साथ लेकर चलते रहेंगे। और मृत्यु के बाद आप हम सभी को उस परम पद में, उस मोक्ष पद में, उस कैवल्य पद में स्थित होना है, और इसके लिए नियमित रूप में योग कथा का श्रवण करें। आप सभी लोगों को मेरी अनंत शुभकामनाएं, आप सभी लोगों को मेरी ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत प्रेम। आइए एक बार पुनः हम उसे गाने को सुनते हैं। जहां जो जन जन को वह राह बताए, ऋषियों ने कहा है ये था, हे पावन योग कथा। इसको सुनिए, साथ साथ गाते रहिए। जो जन जन को वह राह बताए, ऋषियों ने कहा है यथा, हे पावन योग कथा, हे पावन योग कथा। जो मन की अविद्या दूर करे, जड़ से हरती है व्यथा, हे पावन योग कथा, हे पावन योग कथा। जय योग कथा, जय योग कथा, जय योग कथा, जय योग कथा। यह कथा है जो हर मानव को प्रभु का नाम बताती है। यह तप साध्याय ध्यान के संग जीने की कला सिखाती, जीने की कला सिखाती। जो लोभ क्रोध और मोह हटाकर मुक्त बनाती तथा, है पावन योग कथा, है पावन योग कथा। जो जाति पंत मजहब से नहीं, नित्य जान से जोड़े, शुद्ध जान से जोड़े। जो अभ्युदय और निःश्रेयस से हर मानव को जोड़े, हर मानव को जोड़े। जो जीवन सफल बनाने को सबकी हरती है व्यथा, है पावन योग कथा, है पावन योग कथा। योग कथा के श्रवण मनन और निधि ध्यासन के द्वारा, आचरण के द्वारा, नित्य निरंतर श्रद्धा पूर्वक ज्ञान ग्रहण के द्वारा, भक्ति कर्म के द्वारा प्रशस्त कराती पथ समाधि का पुनीत योग कथा, है पावन योग कथा, हे पावन योग कथा। तन स्वस्थ व्यस्त मन पवित्र और जीवन मस्त हो कैसे, जीवन मस्त हो कैसे। सजग होकर वश में होकर आत्मस्थ बने मन कैसे, ज्ञानस्थ बने मन कैसे। ऋषियों का यह बोध बताती सुनिए प्रभु की कथा, है
पावन योग कथा, हे पावन योग कथा। हर श्वास से निकले नाम ओम का, वाणी गाए गाथा, वाणी गाए गाथा। हर कर्म बने पूजा इसकी, गाए यश की गाथा, गाए प्रभु की गाथा। लक्ष्य मिलेगा धन्य बनेंगे, सुन लो योग कथा, है पावन योग कथा, है पावन योग कथा। जो जन जन को वह राह बताए, ऋषियों ने कहा है यथा, है पावन योग कथा, है पावन योग कथा। जो मन की अविद्या दूर करे, जड़ से हरती है व्यथा,